सदर प्रखंड के मुखिया शबीर आलम बने मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष। शनिवार को नया परिसदन भवन सभागार में सदर प्रखंड मुखिया संघ की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रखंड अध्यक्ष के पद को पूर्ण करने को लेकर की गई, जिसकी अध्यक्षता मुखिया अर्जुन मरांडी एवं संचालन शिवनाथ साव ने किया। बैठक में उपस्थित मुखियाओं ने कहा कि मुखियाओं के हक, अधिकार, मान सम्मान की आवाज को प्रखंड से लेकर जिला राज्य तक बुलंद करने के लिए एक कर्मठ जुझारू नेतृत्व की जरूरत थी, जिसके लिए उपस्थित सभी मुखियाओं ने एक स्वर सर्वसम्मति से तेलोडी पंचायत के मुखिया शबीर आलम को प्रखंड अध्यक्ष के पद पर चुना। इस दौरान नव निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष शबीर आलम का फूल माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत एवं बधाई देते हुए बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं दी। मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि जिस तरह से शबीर आलम पर सभी ने न्याय की लड़ाई लड़ने को देखते हुए भरोसा किया है, उम्मीद है कि उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। तो वहीं नव निर्वाचित सदर प्रखंड के मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष शबीर आलम ने कहा कि जिस तरह से सभी मुखिया ने मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया है, मैं उन सभी के मान सम्मान, हक, अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार रहूंगा। साथ ही उन्होंने सदर प्रखंड के सभी सम्मानित मुखियाओं से हक अधिकार के लिए सहयोग करने की गुजारिश की। इस दौरान मुखिया कुंती देवी, मीना देवी, काजल देवी, सहारा खातून, जमीला खातून, इंदु कुमारी, मनोज पाशी, चंपा मरांडी सहित सदर प्रखंड के कई सम्मानित मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। आज गिरिडीह परिसदन भवन में गिरिडीह सदर प्रखंड गिरिडीह मुखिया संघ के अध्यक्ष का पद जो कई दिनों से खाली था, चूंकि इसमें हमारे मुखिया श्री भागीरथ मंडल जी प्रखंड अध्यक्ष थे, जिन्हें पूरे गिरिडीह जिला का मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष बनाया गया, उस समय से गिरिडीह सदर प्रखंड का मुखिया संघ का प्रखंड अध्यक्ष का पद खाली था, और उस खाली पद को आज हम लोगों ने पूरे सर्वसम्मति के साथ तेलोडी पंचायत के मुखिया हमारे भाई श्री शबीर अहमद जी को हम लोग मुखिया संघ का अध्यक्ष मनोनीत किए हैं, और हमें पूरा आशा और विश्वास है कि हमारे शबीर भाई सभी को साथ लेकर के चलेंगे और मुखिया के जो हक और अधिकार का जो लड़ाई है और मुखिया का जो मान सम्मान का जो बात है उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे और अपने कर्तव्य का जो है पालन वो अच्छे तरह से करेंगे। नए परिसदन भवन गिरिडीह में सदर प्रखंड गिरिडीह के सभी मुखियाओं द्वारा मुझे अध्यक्ष पद के रूप में मनोनीत किया गया। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे मुखियाओं की जो समस्याएँ हैं, मैं उसमें प्राथमिकता के स्तर पर मैं उसमें मदद करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उस कार्य को जिला से और प्रखंड से समन्वय स्थापित कर उस समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा। जैसे बहुत सारी अभी बहुत हमारे जो मुखिया हैं उनका
कुछ ऐसा होता है कि नहीं जानकारी के अभाव में जो है कुछ बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनको हम लोग एक कार्यशाला के रूप में हम लोग ये करके उनको जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ नए मुखिया भी हैं तो कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है प्रखंड में, ताकि सुचारू रूप से सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके और किसी तरह का किसी भी मुखियाओं पर किसी तरह का अनियमितता का कोई इल्जाम ना लगे। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे और किसी तरह का मुखियाओं का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम मुखिया जनप्रतिनिधि जो है जनता के आकांक्षाओं को लेकर के प्रखंड में और जिला में जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे जिला के जो भी पदाधिकारी है वो हमारे मुखियाओं को सम्मान दे और उनकी बातों को सुने और प्राथमिकता के आधार पर उनके कार्यों को जो है निष्पादन करें। धन्यवाद।